गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग सब ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ ये भी। तो आज अपन जो बात करेंगे कि जो लास्ट वीडियो में अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि जो एडिशन रिएक्शन है उसके बिल्कुल ओपोजिट होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट में से क्या है कि दो एटम यानी कि टू परमाणु और या क्या हो सकता है कोई ग्रुप, ठीक है, उसका क्या होता है एलिमिनेशन होता है यानी कि निष्कासन होता है, जबकि इसमें जुड़ता कुछ भी नहीं है। कोई नया एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप, कोई भी अपने ग्रुप बोलें, वो इसमें कोई भी ऐड नहीं होता। ऐड तो मतलब कि इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। ओनली क्या होगा, यहाँ पे बाहर निकलने वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर दूसरी बात अपने क्या बात की थी कि कोई भी जो पोलर सेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि अपने एक अपने उचित कंडीशंस में, परिस्थितियों में क्या है कि इनका क्या होता है एलिमिनेशन होता है, यानी कि टू एटम या किसी ग्रुप का क्या है एलिमिनेशन होता है। इसके अलावा एक बात क्या आती है भाई, इसके साथ ही क्या होता है कि जब इनका एलिमिनेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा। यहाँ पर अपना हाइड्रोकार्बन ही लेते हैं तो क्या होगा, यानी कि एल्किन या एल्काइन का फॉर्मेशन होगा, सीधी बात यही है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि एक जो बात है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है, एलिमिनेशन होता है जब टू एटम्स का या किसी एक ग्रुप का यहाँ पर क्या होता है एलिमिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है एक सिग्मा बॉन्ड, सॉरी दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, क्या होते हैं टू सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है उनका फिजन होता है और क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इस, अब ये बात तो अपनी हो गई थी लास्ट वीडियो में। अब इसके बाद जो बात आती है कि ये अभिक्रिया क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, तो एक तो क्या है कि वी हाइड्रो हेलोजिनेशन, सॉरी वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण, टू पार्ट्स इसकी क्या बताएं यहां पर, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है ना, यानी कि वी हाइड्रोजिनीकरण क्या है, वी हाइड्रो, सॉरी वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, डिहाइड्रेशन, दूसरा टाइप क्या है यहां पर, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो ये इसके दो टाइप्स है। ठीक है, दो प्रकार की है ये, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी कि एल्किल हैलाइडों का वी हाइड्रोजनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, यानी कि यहां पर क्या होगा कि भाई सीधी बात क्या है कि इसमें वी हाइड्रो हेलोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन भी बाहर होगा, ठीक है, और साथ में हैलाइड भी बाहर होगा, और क्या फॉर्म होगी यहां पर, एल्कीन फॉर्म होगी। ठीक है ना भाई, अपने ये बात स्टार्टिंग बताई दी है कि यहां पर क्या है कि टू एटम या क्या है कि किसी ग्रुप का एलिमिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि यहां पर अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, या अपन ये बोल दें कि अनसेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट अपन इसमें करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अभिक्रिया
अभिक्रिया किसी एल्कोहलिक बेस लाइक एल्कोहलिक क्यों एच, ठीक है, जैसे एल्कोहलिक क्यों एच के साथ कराते हैं तो एच एक्स मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड अणु मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन यानी कि विलोपन एलिमिनेशन होता है तथा क्या फॉर्म होगी यहां पर एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होगा, ठीक है, कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड यहां से क्या होगा एक तरह से बाहर होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगी, एल्कीन फॉर्म होगी यहां पर, यानी कि एल्कीन का निर्माण यहां पर होगा। तो अपन फॉर एग्जांपल यहां पर क्या लेते हैं कि कोई अपन क्या लेते हैं कि भी अपने कोई भी एल्किल हैलाइड, तो अपन यहां पर एग्जांपल क्या ले रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड लेते हैं तो अब क्या है कि इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं अपने, एल्कोहलिक के ओ एच, ठीक है, एक एक्वस होता है और एक एल्कोहलिक होता है। तो एल्कोहलिक की अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो निश्चित है यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है। इसका काम यही है, कहीं पर भी आता है तो ये समझ लेना आप, यहां से क्या है कि मॉलिक्यूल का या किसी ग्रुप का एलिमिनेशन होना है, तो वो यहां पर क्या है, रिएक्टेंट अपन कौन सा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी कि एक तो एल्किन में क्या फॉर्म होगा, यहां पर एथीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब बात करें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो क्या होती है कि इसको यानी कि ये टू टाइप से क्या होती है पॉसिबल यहां पर, यानी कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन दो प्रकार की, टू प्रकार की मैकेनिज्म द्वारा संपन्न यानी कि कंप्लीट होती है, ठीक है, संपन्न होती है। तो इसमें फर्स्ट टाइप क्या है इसका, इसको अपन ए बी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, यूनि मोलिक्यूलर, ठीक है ना, तो इसको अपन किससे डिनोटेड करते हैं, ई वन से, ठीक है। और सेकंड क्या होती है, बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर जिसे अपन बोलते हैं ई टू रिएक्शन, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं यूनिमोलिकुलर, यानी कि ई वन, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है कि जो इसकी मैकेनिज्म है तो ये क्या होती है कि इसमें टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ईवन रिएक्शन जो है आपको पता है कि ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अपने एक सिंपल डायरेक्ट एक लाइन बात करें तो ये जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है कि
इसमें क्या है कि रिएक्शन क्या होती है, कार्ब कैटायनों के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा यहां पर कि उस कार्ब कैटायन में से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का एटम यहां पर यानी कि प्रोटोन का एलिमिनेशन होगा साथ में बाद में, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लैश स्टेप होता है, ठीक है। और क्या होता है, रेट रिएक्शन वो वेग निर्धारक, ठीक है, यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, कि क्या होता है ये वेग निर्धारक स्टेप होता है, यानी कि पद होता है, जिसमें क्या है कि एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल क्या होता है कि आयोनाइज्ड होकर आयनित होकर क्या बनाता है, कार्ब कैटायन बनाता है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करता है। और सेकंड स्टेप जो होता है इसका वो क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, और जिसे अपने क्या बोलते हैं, वेग अनिर्धारक, ठीक है ना। तो वैसे तो इस पर अपना कोई मतलब है ही नहीं, अब बोले तो ठीक है, ना बोले तो ये बात तो कोई दिक्कत नहीं इसकी, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आगे कि जो कार्ब कैटायन बना है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, जो कार्ब कैटायन बनता है वो क्या करता है कि एक प्रोटोन को क्या करता है, खोकर क्या हो जाता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होकर के क्या फॉर्म करेगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करेगा, जिसमें क्या होती है अपने यहाँ पर कि जो अपने यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अपने एथिल ब्रोमाइड ले रखा है तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी, एथीन, ठीक है। तो एथीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म में रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया कार्ब कैटायन द्वारा संपन्न होती है, यानी कि कंप्लीट होती है, ठीक है, तथा रिएक्शन टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। ये तो इसकी एक नॉर्मल बातें होगी। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप यानी कि प्रथम पद, ठीक है, स्लो एंड एंड वेग निर्धारक, रेट डिटरमिनेशन स्टेप होता है, ठीक है। वेग निर्धारक पद होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड आयनित होकर क्या बनाता है, कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन बनाता है यानी कि फॉर्म करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये बात हो जाएगी, फिर क्या होता है सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप फास्ट होता है जिसमें कार्ब कैटायन कैटायन एक प्रोटॉन यानी कि H प्लस एलिमिनेट एलिमिनेट कर क्या बनाता है, अनसेचुरेटेड
असंतृप्त, ठीक है ना, अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल अणु बनाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब क्या है कि इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली रिएक्टेंट यानी क्रिया कारक के, ओनली रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अतः क्या है, इसे इवन रिएक्शन यानी कि एक अणुक इवन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि रिएक्टेंट के एक ही मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट अकेला ही है और उसी पर क्या करता है ये, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन बताते हैं अपन। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि भाई जो अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो यहां पर अपन एथिल ब्रोमाइड लिया है, तो ये एथिल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। और ये कौन सा स्टेप है, इसका स्लो स्टेप है। और इसमें क्या होता है, कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है, ये यहां पर क्या बन गया, कार्ब कैटायन। और साथ में क्या होगा, यहां पर एक ब्रोमाइड आयन, यानी कि क्या हुआ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आए, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या हुआ कि भाई जो कार्ब कैटायन यहां पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब आपको स्टेबिलिटी, अभी एक बात और है कि किसी बच्चे ने मेरे से एक कमेंट किया था कि भाई जो अपने, चलो ये पहले पूरा करता हूँ फिर बात करूँगा इस पर, 2 मिनट, ठीक है। तो ये कार्ब कैटायन है और इसका क्या होगा कि ये स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप, त्रिविर स्टेप है। और इसमें क्या होता है कि भाई जो कार्ब कैटायन है वो क्या करता है, एक प्रोटोन का एलिमिनेशन करेगा और क्या बनाता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि यहां पर क्या फॉर्म होगी, एल्कीन। अब यहां पर क्या है कि प्रोटॉन और ये हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HBr के रूप में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्या फॉर्म हो गई, एथीन, ठीक है। तो एक बात और थी बेटा, ये तो आज के लिए बस मैं यही रोक रहा हूं, ये जो E2 यानी कि बायमोलिकुलर जो इसकी मैकेनिज्म है उस पर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट आपको एक बात और थी कि एक मयंक बच्चा है तो उसने मेरे से ये पूछा था कि भाई जो अपन ने बात की थी कि होमोलिटिक जो बॉन्ड क्लीवेज, जो अपना फर्स्ट वीडियो था उसकी बात है, तो उसमें क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि जहां पर जो लास्ट पॉइंट पर जाकर के अपनी बात हुई थी कि भाई यहां पर क्या है कि भाई जो यहां पर फ्री रेडिकल जो फॉर्म हो रहे हैं, उन फ्री रेडिकल में क्या है कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई इसमें क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या है कि एथिल ग्रुप यहाँ पर ऐड होंगे, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी पर अपन ने बात कर रहे थे। तो फर्स्ट अपन ने अपने इस पर बात किया था इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरी बात अपन ने जो की थी वो अति संयोगी यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन पर अपन ने बात की थी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो अपने एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म की थी, तो उस स्ट्रक्चर में क्या था कि वो बच्चा ये बोल रहा है कि सर इसमें ये कि एक एग्जाम्पल यहां पर ये था कि अपने एक एथिल कार्ब कैटाइन, वो सॉरी फ्री रेडिकल बताया था यहां पर, ठीक है। तो इसकी मैंने क्या है कि आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताई थी, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहां पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ,
यहाँ पर ये बताया, और इसके बाद क्या बताया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और फिर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी कि इसके बीटा कार्बन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो बच्चा ये मेरे को ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ये कार्बन की 5 वैलेंसी कैसे हो रही है। बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट है। बट यहाँ पर क्या है कि भाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो इसका फ्री रेडिकल का ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि इन बीटा कार्बन के, सॉरी, हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकता है कि इस तरह से इसकी अलग अलग कंडीशन में आ सकता है। यानी कि यहां पर जो बात बता रहे कि भाई इस रीजन से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जो अपने यहां पर एग्जांपल दिया था कि भाई यहां पर जो अपने एथिल का एग्जांपल लिया था, एथिल फ्री रेडिकल का अपने एग्जांपल लिया था, जिसमें क्या बताए थे कि भाई 3 बीटा हाइड्रोजन एटम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई वह क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, यहां पर यह क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मैंने ये इसे रिमूव कर रखे हैं, फिर इस पर आया, फिर यहां पर आया, तो यहां पर बॉन्ड फॉर्म करते जाएंगे। तो ये क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, यानी कि अति संयुग्मन अनुनाद। तो यहां पर ये इसकी बॉन्ड से मतलब नहीं हो रहा है, यहां पर क्या है भी अपने फ्री रेडिकल ले रखा है, क्या ले रखा है, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल है तो यहां इलेक्ट्रॉन की एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास है ही है। तो यहां से क्या है कि भाई ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहां आए, ठीक है, तो ये बॉन्ड तो इधर ट्रांसफर हुआ। बट यहां पर क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, कि इस तरह से ये इन डायरेक्शन में रिमूव हो रहा है। तो ये यहां पर ये है, ठीक है ना, ना कि यहां पर ये आप इसके 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बोल सकते हैं। भाई आपको दूसरी बात ये बताई थी कि यहां पर क्या है कि भाई कोई भी जो यहां पर फ्री रेडिकल होगा, अगर उस पर क्या है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट में अपने क्या बताया था कि नंबर ऑफ मैथिल ग्रुप अगर इंक्रीज होते जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो वो यहां पर क्या है कि इसका इफेक्ट भी, वो भी तो रहेगा साथ में, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये बेटा, ठीक है। और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप मेरे को कॉल करके बोल देना, ठीक है, मैं आपको वहां कॉल पे आपको क्लियर कर दूंगा और ज्यादा, ठीक है। थैंक यू।